आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। सीपीआई माले ने लोकसभा की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है और ये बात बताई सीपीआई माले के जो महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य ने। जी हां, कल पाटलिपुत्र लोकसभा के कार्यकर्ताओं की मीटिंग मसौढ़ी में हो रही थी और उसमें दीपांकर भट्टाचार्य जो सीपीआई माले के महासचिव हैं मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि साल के अंत तक जैसा लग रहा है, जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, साल के अंत तक लोकसभा का चुनाव हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी राज में संपत्ति का विकेंद्रीकरण हो रहा है और 23 जून की जो महागठबंधन की बैठक होगी जिसे नीतीश कुमार सूबे के मुख्यमंत्री ने बुलाया है उसमें वो भी शामिल होंगे। क्या कुछ कहा है उन्होंने आपको सुनवाते हैं। क्या है कर्नाटक हारने के बाद चमत्कारी बाबा को लेकर के पुराने बाबा फेल हो गए हैं, विकेट पड़ रहे हैं, नया बाबा को लेकर के आए। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैं बिहार के लोगों ने बाबा को पहचानने में बहुत देर नहीं की और जब ये प्रवचन दे के गए और अम्बेडकर की मूर्ति उसी समय टूटी तो लोगों को बात समझ में आने लगी। ये जो हिंदू राष्ट्र का नारा लग रहा है इसका मतलब क्या? हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं, सिर्फ मुस्लिम निशाने पर नहीं है, हर तरह के लोग निशाने पर है, सारे के सारे दलित निशाने पर है, आदिवासी निशाने पर है, महिलाएं निशाने पर है और लड़ने फिरने वाले, सच बोलने वाले, साहस के साथ अपने अधिकार मानने वाले, वाले जैसी पार्टी और वाले जैसे लड़ने वाले लोग, ये लोग जो सबसे पहले निशाने पर है। इसीलिए जो लोग निशाने पर है हम सब अगर एक दूसरे की बात समझ लें और एक दूसरे के साथ मिलकर के एकता बना लें तो ये बंदूक चलाने वाले किसी के कंधे पर रख करके तो कहां तक राज करेंगे? अंग्रेजों ने कितना दिन राज किया, सोचा था कि भाई भारत में जो अंग्रेजों का राज है वो कभी खत्म नहीं होगा, सूरज कभी टूटेगा नहीं। लेकिन तय कर लिया आजादी के आंदोलन में लोगों ने तो सूरज टूटा कि नहीं हुआ और उसके बाद से दोबारा कहीं दुनिया में कहीं अंग्रेजों का राज नहीं चला। इसीलिए ये राज बिछाएगा और इस लड़ाई में भी हम लोगों को पूरी ताकत के साथ, तो अगर हम कहेंगे कि भाई पाटलिपुत्र सीट माले को मिले तो बिल्कुल हम इसलिए कहेंगे, चुनाव हारने के लिए नहीं, चंद वोटों से पीछे रह जाने के लिए नहीं, पाटलिपुत्र से गारंटी करने के लिए हम सीट हारने के लिए सीट हारे थे और लड़ करके जीत करके हम इस सीट को देंगे। जैसे हमने विधानसभा में किया पालीगंज में, अभी तो साथी लोग कह रहे हैं कि थोड़ा संगठन में कुछ जटिलता है उसको जल्दी ठीक करिए, जहां जहां भी कोई जटिलता है ठीक करिए, अपने घर को दुरुस्त करिए। अभी संदीप जी बता रहे थे कि भाई भोजन बाजार में कुछ हिंदू मुस्लिम तनाव बना हुआ है, तो ये भोजन शहर में बनता है तो बात समझ में आती है और वहां भी लोग तोड़ रहे हैं उसको, तो भोजन बाजार में ऐसा तनाव क्यों होगा और उसमें अपने लोग क्यों उलझेंगे, अपने लोग क्यों फंसेंगे? हमारा तो काम है सबसे पहले जाकर के भाईचारा का झंडा बुलंद करना, सांप्रदायिक सौहार्द का झंडा बुलंद करना, ये तो हमारा सबसे एक मौका है। तो आपने सुना, ये थे दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई माले के महासचिव और जिन बातों को हमने बताया, कहा कि 23 जून को तो मैं शामिल होऊंगा ही लेकिन तैयारी शुरू कर दीजिए, साल के अंत तक लोकसभा का चुनाव निश्चित तौर पर हो जाएगा। और राजनीतिक गलियारों से भी जो चर्चा निकल के सामने आ रही है, लगता ये है कि समय से पहले लोकसभा का चुनाव होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।